हाय बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, इनफैक्ट रेगुलर क्लासेस के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि यार नीट 2023 डिफिकल्ट आएगा मैम, डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, कहां से आएगा, कैसा पेपर होगा, बस अगले 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं तुम्हें नीट 2023 के बारे में सच में सब कुछ बता दूंगी, टफ या नहीं टफ ये आखिर में बताऊंगी। लेक्चर को एंड तक देखना जरूर, एंड में सब बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तो एंड तक लेक्चर को जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात तो मैं आज डंके की चोट पे कह देती हूं, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, 99.9% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि सिर्फ 2 किताबों से पेपर आएगा तो पेपर टफ कैसे होगा बेटा? कैसे हो जाएगा पेपर टफ अगर आपको सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी हो, दोनों बुक्स को आप 5-6 बार करो। इनफैक्ट मैंने एक बुक लिखी है एमटीजी के साथ, सेकेंड एक ही साल में 2 बार रीप्रिंट हो चुकी है वो किताब। आपको पता है उस किताब में मैंने एनसीईआरटी की सारी लाइनों से क्वेश्चंस बनाए हैं, उस किताब में एनसीईआरटी के पेज नंबर डाल दिए मैंने कि इस पेज नंबर से, इस लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाए, एसर्शन रीजन तक मैंने एनसीईआरटी की लाइन से बनाए। तो बेटा एनसीईआरटी तो आपकी बाइबल है, एनसीईआरटी को आपको बाय हार्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आए। एनटीए करता है ना, ऑफलाइन पेपर बनाता है, पेपर वापस ले लेता है, तो यूजुअली कहां से क्वेश्चंस आए चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं कह रही हूं 98-99% क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे। मैंने एनालिसिस किया है तो ये आपके लिए एनालिसिस लिख के आया हूं। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करिए, आप देख भी रहे होंगे आजकल मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ही 7 PM कर रही हूं। इनफैक्ट मंडे से तो मैं एक दिन थ्योरी एक दिन टेस्ट, एक दिन थ्योरी एक दिन टेस्ट कर रही हूं। उसके बाद आ रहा हूं जेनेटिक्स में, जो मैं सुबह 12 बजे क्लासेस शुरू करने वाली हूं, क्लास 12 की। डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिज्म जो है ये आपकी आती है 14% वेटेज मैक्सिमम फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स की है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 5% वेटेज, प्लांट फिजियोलॉजी की वेटेज है लगभग 6%, सेल स्ट्रक्चर 9-11% वेटेज है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज है 20%, रिप्रोडक्शन चैप्टर की वेटेज है 9%, जेनेटिक्स एवोल्यूशन की वेटेज है 18%, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वेलफेयर वाला चैप्टर 9% वेटेज है, बायो और उसकी एप्लीकेशंस 4% वेटेज है, इकोलॉजी वाली पूरी यूनिट की वेटेज 6% है। तो आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज किसकी है, आपका कौन सा टॉपिक उन वेटेज वाले टॉपिक्स में वीक है और फिर उनको करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा नीट एस्पिरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को फॉलो करो, और वो सिर्फ बायो के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मतलब एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की फिजिक्स और केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी के जैसे आएगा, सारी फाउंडेशन आपके बेसिक एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स रटे होने चाहिए, इसके बाद जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। आपको कोई बड़ी बड़ी किताब एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स, तो प्लीज इस पे एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, स्पेशली जो हमने लास्ट ईयर देखा, देखो पेपर टफ नहीं था, पेपर बहुत लेंदी हो गया था बच्चों, इतना लेंदी कि बच्चे घबरा गए, बच्चे डर गए, दे ऑल गॉट स्केयर्ड, दैट इज व्हाई उनका पेपर छूट गया। अगर आपको अपनी बायो 35-40 मिनट्स में खत्म करने की आदत है, बट बिकॉज एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ गए, डू नॉट टाइप के क्वेश्चन आ गए, मुश्किल तो नहीं पर लंबे पढ़ने वाले क्वेश्चन आ गए, आपका बायो 60-70 मिनट तक चला गया, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे मैं फिजिक्स कब करूंगी, केमिस्ट्री कब करूंगी, तो टेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने पेपर में मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट सीखिए। आपका सबसे पहले बायो से शुरू कीजिए, 45 मिनट्स में आपका बायो के 90 क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए, बिना ओएमआर के मॉक टेस्ट पेपर मत दीजिए, ओएमआर लेकर बैठिए ताकि आप लोगों को पता चले कि ओएमआर मार्क करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। मैक्सिमम 40 को आप 45 मिनट्स कर सकते हो, 45-50 मिनट्स कर सकते हो बस। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको केमिस्ट्री करना चाहिए, जो आपका 50-52-53 मिनट्स में खत्म हो जाए, यहां पर भी आप साथ के साथ ओएमआर मार्क करो। पेपर मुश्किल नहीं होता, जब टाइम 19-20 कम ज्यादा हो जाता है तो एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। लास्ट में मूव करिए फिजिक्स पर, फिजिक्स को दीजिए 1 घंटा, राइट, इसको एंड तक करिए, ओएमआर मार्क करिए। इसके बाद भी आपके पास 15-20 मिनट बचेंगे, आप उन क्वेश्चंस को करिए जिनको आपने मार्क किया था कि मुझे आता है, मैं कर लूंगी, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे ही चलो, पहले बायो करो, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करो, सेम ऑर्डर, और आप फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने एग्जाम में ऐसे ही पेपर सॉल्व किया था, बहुत फर्क पड़ता है, प्लीज मैं आपको बोल रही हूं, इसी तरह से अपने पेपर को सॉल्व करिए।
जो मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मॉक टेस्ट पेपर देने वाली, मतलब उसके साथ तो एग्जाम में धोखा होगा ही होगा, बिकॉज उसको ये ट्रिक नहीं आएगी कि कब किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस पेपर को करना है, कैसे 15-20 मिनट्स में सारे पेपर को स्किम करना है, कैसे फटाफट ओएमआर मार्क करनी है, यही ट्रिक होती है। और ये आपको एकदम से नहीं आएगी, ये पेपर प्रैक्टिस कर 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 ही आएगी। डन। तो पेपर मुश्किल नहीं होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेंथी जरूर हो सकता है पेपर, बट होगा एनसीईआरटी बेस्ड। अब आते हैं सरप्राइज गाइस, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कभी भी किसी भी टाइम अगर आप डिसाइड करो मुझे अभी करना है, कर सकते हो। अगले 60-65 डेज में भी आप बहुत मेहनत करके, यू नो, जैसे कहते ना 300 से अपना स्कोर 550-600 तक कर सकते हो और आगे निकल सकते हो। सो वी आर बैक विद द नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, मोस्ट अवेटेड। अब इस क्रैश कोर्स में सिर्फ थियोरी नहीं रहेगी, एक दिन थियोरी और एक दिन एमसीक्यू, एक दिन थियोरी और एक दिन एमसीक्यू। सो मंडे थियोरी, ट्यूजडे एमसीक्यू, वेडनेसडे थियोरी, थर्सडे एमसीक्यू, फ्राइडे थियोरी एंड सैटरडे एमसीक्यू प्रैक्टिस। पूरा सिलेबस मैं आपको खत्म कराऊंगी। 6 के 6 दिन शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी, संडे के दिन टेस्टिंग होगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली प्रैक्टिस का पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगी, आंसर्स भी वहां पे दूंगी और 100% एनसीईआरटी का कंटेंट बनाऊंगी। आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वेदांत बायोटेक। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को आंसर कर दिया है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।